मोबाइल फ़ोन्स हमारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए बनाए गए हैं। एक सर्वे के अनुसार हर भारतीय औसतन 4 घंटे मोबाइल फ़ोन्स पे देते हैं। 90% लोग तो सुबह उठते ही अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं और रात में सोने से पहले भी आखिरी काम यही होता है। अगर हम इन मोबाइल फ़ोन्स में उलझे रहने की आदत से पीछा नहीं छुड़ा पाए तो हमारी इस बुरी आदत का फ़ायदा फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और पबजी जैसी कंपनियाँ उठाएंगी और हम उनके गुलाम बन जाएंगे। हमारा मानना है कि हमें अपने व्यूवर्स को सलाह देने से पहले खुद उसे फॉलो करना चाहिए। पहले मैं खुद इन बुरी आदतों में उलझा था, बहुत सारा वक्त यूं ही बर्बाद हो जाता था। इसी बुरी आदत को छुड़ाकर मैंने अपनी स्टडी और यूट्यूब दोनों को कंटिन्यू रख पा रहा हूं। दोस्तों, मोबाइल एक डिवाइस है जिसे कैसे यूज़ करना ये पूरी तरह हम पे निर्भर करता है। तो फिर मोबाइल ख़राब कैसे हो सकता है? ख़राब तो हम हैं, हमें ये नहीं पता कि मोबाइल को यूज़ कैसे करना है। मोबाइल पर सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर। यूज़ करने से पहले हम बोलते हैं बस 5 मिनट यूज़ करूँगा, लेकिन वो 5 मिनट कब घंटे में बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता और फिर बाद में पछतावा होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपका काम डायरेक्टली सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको इसे यूज़ करने से बचना चाहिए और अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। जो खुशी तुम्हें कल दुख देने वाली है उसे आज ही त्याग दो। दुनिया का कोई भी शख्स आपको तब तक मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे। 24 घंटे हैं आपके पास, उसी में सब कुछ करना है। आप किन चीज़ों पर कितना टाइम देते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको सफल बनाएंगी या उन चीज़ों पर जो आपका सिर्फ टाइम ख़राब करेंगे। आपको सब पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आज कुछ हिम्मत दिखाओ और उन सब चीज़ों से दूर हटने की कोशिश करो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपका टाइम ख़राब करती है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाएंगी। सपने आपके हैं, गोल आपके हैं, तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। आपकी प्रायोरिटी पहले है और फ़ोन बाद में। सोशल मीडिया को केवल टाइम पास के लिए यूज़ करिए, अपनी करेंसी और वैल्यूएबल टाइम पे नहीं। आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए, कितने घंटे आपको पढ़ाई पे देना है और कितने घंटे आपको टाइम पास पे। हर समय मोबाइल में घुसे रहने की आदत, हर समय मोबाइल साथ लेकर घूमने की आदत, मोबाइल साथ लेकर सोने की आदत बिल्कुल छोड़ दो। तकनीक का इस्तेमाल करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। या वीडियो उन सभी के पास शेयर कीजिए जो इस बुरी आदत के शिकार हैं।